साहब और एडिशनल कमिश्नर करीमत साहब, असद चांदिया साहब, नरेंद्र प्रसाद साहब, देखने को मिलेगा। आप कभी डीपी ऑफिस आए, डेरा गाजी खान जिले की एक तारीख है, 1860 से इसका रोल ऑफ ऑनर का बोर्ड दिखाया जाता है। मैं मुख्तसर सा पैगाम दूंगा कि 10 लाख से जायद जानी नुकसान और शहादतों के बाद और दहशतगर्दी के 90,000 सिविलियन कैजुअल्टी और 10,000 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की शहादतों के बाद आज हम उस आज़ादी की हमारी जो बच्चों की और असातिज़ा की और हमारे स्कूल और कॉलेज की जो परफॉर्मेंसेज हैं, मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये वो जज्बा है जो हमारी कौम में पाया जाता है। हमारे बच्चे देखें कि वो 8 बजे से इस तकारीब में शामिल हैं, वो सुबह 9 बजे फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी हो, वो टेक्निकल स्किल्स गेन करने हो टैप्टा के अंदर, हम जिमखाना क्लब में एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए हमने वो प्रोवाइड कर दिया है जिसके अंदर एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नज़र आई है। तो आज के लिए मेरा ख़ास तौर पर ये पैगाम है, ये ज़िला इस लिहाज से बहुत अहम है कि हमें दहशतगर्दी के चैलेंजेस भी सामने हैं। जैसे कमिश्नर साहब ने आज बार बार बात की, मुआशी चैलेंजेस उसको उससे भी आजमा होने हैं हमने। तो हमारी ये जो ज़िला की अवाम है, हमारी जो यूथ बल्ज है, ख़ासतौर पे हमारे जो बच्चे बच्चिए हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन से ये जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, ये जो जज्बा हम दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह इससे के साथ मुआशी तरक्की के चैलेंजेस को भी फेस करेंगे, दहशतगर्दी के चैलेंजेस को भी फेस करेंगे। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान, ये डेरा गाजी खान, ये सूबा पंजाब इंशाल्लाह तरक्की करेगा और पाकिस्तान को एक नई मंजिल की तरफ लेके जाएगा।